हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग घर का खाना टेस्ट वही सोचने के साथ में मैं हूँ आपकी होम कुक स्वाति। और आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, दैट इज पोहा। जी हाँ, पोहा काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा लगता है सभी को खाने में और काफ़ी क्विक बनता है। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से इट कि आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पोहा। उसके लिए सबसे पहले मैं मूँगफली भून ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे करीब एक कप मूंगफली ले ली है और 1 tablespoon ऑफ ऑयल में मैं इसे भून ले रही हूँ। इसे रेड कर लेना है मॉडरेट फ्लेम पे। और मूंगफली से एक्चुअली हम इसे डेकोरेट करते हैं और काफ़ी अच्छा सोंधा सा स्वाद आता है इसका। सो जब मूंगफली हमारी भून जाएगी तो उसके बाद में हम इसे खाली कर लेंगे और इसी पैन में हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे बनारसी राई, जिसे सरसों भी बोलते हैं, लाल वाली सरसों शायद। और इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे करी का पत्ता। यू नो दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, मुझे करी का पत्ता बहुत पसंद है। और इसे जब ये थोड़ा सा चटकने लगेगा तो इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज और मिर्चें। इस प्याज और मिर्ची को भी हम थोड़ा सा सॉर्ट कर लेंगे, यानी कि इन्हें भी हम सुनहरा रेड होने तक भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जो हमारे पोहे को कलर देगा। ये थोड़ा सा एक कलरिंग इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हैं इन्हें। प्याज हमारा लाल हो चुका है अच्छे से। सो मैंने पोहे को ऑलरेडी 2 कप पोहा था जिसे मैंने पानी से धुल करके एक चलनी में रख दिया था जिससे वो सोख कर लिया उस पानी को। और ये देखो पोहा हमारा फूल गया है। केवल 5 मिनट के लिए रखना होगा और पोहा अच्छे से हमारा फूल जाएगा। पोहा डाल करके हम इसे चला देंगे अगेन एक बार और ढक करके इसे हम सिम फ्लेम पे, मतलब लोएस्ट फ्लेम पे इसे हम रख देंगे अप्रॉक्स 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके ढक्कन को हटाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स। सो ये देखिए, जो पोहा हमारा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाना बाकी रह गया है। सो इसमें मैं थोड़े से मीठेपन के लिए डाल दूंगी 1/2 चम्मच चीनी, नींबू 1/2 नींबू का रस, और नमक स्वादानुसार, फिर ढक के 5 मिनट के लिए रखूंगी। गैस को बंद करके 5 मिनट के बाद इसे निकालूंगी, अगेन इसे चलाऊंगी और उसके बाद सर्विंग बाउल में निकाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सो आप भी बना सकते हैं ये इंस्टेंट पोहा अपने घर पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को प्लीज़।